मोटिवेटेड होता हूँ कभी कभी, कभी कभी डिमोटिवेट इंसान हूँ, अब हो ही सकता है। वो एक टाइम था और अभी एक टाइम है, अभी व्यूज आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। शायद हो सकता है कि हम लोगों के लिए ब्लॉगिंग नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अमेज़न वाले को जो है मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का ना रिटर्न पॉलिसी इतना घटिया है। मेरा रिटर्न डेट था, आई मीन पिकअप डेट था जो मेरे घर से, वो था 3 तारीख को, और वो लोग आज आ रहे लेने के लिए। आज 9 या 10 तारीख है, तो समझ सकते हो। और हाँ, और एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूब पर अभी चल रहा है मेरे साथ, आई मीन पता नहीं उसके लिए डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ या क्या हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सब्सक्राइबर्स रेट जो है वो गिर रहे हैं, काउंट गिर रहा है, और व्यूज़ भी गिर रहा है। स्टार्ट जब किया था तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो था, और अभी कुछ डिफरेंट सिनेरियो है। शायद शुरू में लोगों ने हाइप में आके लोगों ने पसंद किया था, या फिर अभी लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। इसीलिए मोटिवेटेड होता हूँ कभी कभी, कभी कभी डिमोटिवेट इंसान हूँ, अब हो ही सकता है। और अभी सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब ही छोड़ दूँ, ऐसा भी दिमाग में थॉट आ रहा है। तो खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो रेगुलर वो वीडियो वॉच करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और अगर हो सके तो प्लीज़ गाइज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि आगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं ना यूट्यूब पर, ऐसे ऐसे वीडियोज़ भी आते हैं जो, मतलब क्या ही बोलूँ, उनके लिए कोई वर्ड नहीं है, उनके लिए कोई मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्वालिटी लाइक सेंस, क्वालिटी में क्या हो जाता है कि क्वालिटी में कुछ लोग क्वालिटी मेंटेन करना मेंटेन तो करते हैं, और कुछ लोग कुछ भी डाल देते हैं उठा के, तो वैसे लोगों के लिए भी व्यूज़ बहुत सारे ढेरों भर भर के आते हैं। और कुछ लोग जो मेहनत करते हैं रात रात भर जग के एडिट करना, हाँ मेरे को मालूम है मैं एडिट जो है उस लेवल पर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे और प्रोफेशनल लेवल पर सीखना पड़ेगा, प्रो लेवल पर सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हो सकता है। खैर जो भी है, आई मीन कोशिश मेरा जो है वो स्टार्ट है, जारी है, तो देखते हैं कहाँ तक क्या कर पाते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि जो हम लोग का सिक्किम का जो व्लॉग है बहुत जल्दबाजी में हुआ है, और जैसा भी हुआ आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया उतना भी काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि व्लॉग मुझे मालूम है कि जिस तरीके से जिस सिचुएशन में हम लोगों ने किया है, कभी लंच नहीं कर पा रहे तो कभी डिनर मिस हो जा रहा है, तो कभी ब्रेकफास्ट मिस हो जा रहा है। लेकिन खैर जो भी हुआ, जितना भी प्यार मिला उतना काफ़ी है, और कोशिश करूँगा कि आपका प्यार और ज़्यादा मिले। तो फिलहाल अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के फ्रेश होते हैं और फ्रेश होकर निकलते हैं। फ्रेश हो चुका हूँ, और होने के बाद जो है अभी जब से मैं सिक्किम से वापस आया हूँ ना, उसके बाद से आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि एडिट का बहुत सारा काम था, तो मैं सोचा कि पहले एडिट कर ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर व्लॉग जो है डेली कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है मैं और धृति जा रहे हैं, थोड़ा वेलिंगटन जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो बाइक का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फुट रेस्ट है वो टूट गया है, और हमेशा जब भी मैं व्लॉग बनाता हूँ तब भी धृति जो है वो हेलमेट में रहती है, बट आज ये हेलमेट में नहीं है, आज ये पूरा नॉर्मल होके आई है। हेलमेट अभी जाएगी ऊपर लेने के लिए, क्योंकि मैं बाइक जो है क्लीन कर रहा था, आई मीन पोंछ रहा था। तो अभी सीन ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग जो है बहुत टफ है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि लास्ट एक साल, अभी एक साल होने को आएंगे, और व्लॉगिंग जो है मेरे को बहुत टफ लग रहा है। स्टार्टिंग जब किया था तो उस वक्त हम लोगों को कितना इजी लगता था ना, लगता था ऐसा कि व्यूज़ जो है वो तकरीबन कभी किसी स्टार्टिंग में किसी को 800 900 1000 2000 व्यूज़ मिल जाते थे, तो बड़ी बात होती थी। और वो एक टाइम था और अभी एक टाइम है, अभी व्यूज़ आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। शायद हो सकता है कि हम लोगों के लिए ब्लॉगिंग नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूंगा। तो फिलहाल कोई नहीं, अभी चलते हैं, चल के पहले बाइक का काम कराते हैं, और मेरा गोप्रो का जो स्क्रीन गार्ड था लेंस का वो टूट गया था, तो उसको भी ठीक कराऊंगा, उसको भी वो भी नया लूँगा, लेने के बाद फिर वापस घर आऊँगा। तो फिलहाल अभी निकलते हैं और मोटर ब्लॉगिंग करते हैं। मेरे को पता नहीं ब्लॉगिंग कर भी करूँगा भी या नहीं करूँगा, मेरे को वो भी नहीं मालूम। तो खैर जैसा भी है जो भी है, लेकिन हाँ एक चीज़ श्योर है कि मैं, मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आई मीन बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मतलब बहुत तकलीफ़ हो रहा है,
एक चीज़ और, अगर ब्लॉगिंग छोड़ भी दूंगा तो फिर लेकिन राइड नहीं छोड़ूंगा, राइड जो है वो करूंगा, ट्रैवल जो है वो ट्रैवल नहीं, मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा। मैंने ये डिसाइड किया खुद से, क्योंकि शायद हमारे लिए ब्लॉगिंग नहीं है, शायद हमारे लिए ब्लॉगिंग नहीं है। तो फिलहाल अभी चलते हैं, फटाफट निकलते हैं और निकल के पहले कंप्लीट करते हैं काम वाम। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे को लगा था कि गोप्रो का बैटरी जो है चार्ज होगा वहाँ से आने के बाद, मैंने चार्ज पे लगाया भी नहीं था, मैं भूल भी गया था, और मुझे लगा था कि एक बैटरी स्पेयर जो है वो चार्ज में होगा, बट वो जब मैंने लगाया तो मेरे को पता चला कि उसमें 25% है और एक बैटरी पूरा ड्रेन आउट है, तो पता नहीं ये कब तक चलेगा। खैर अभी जा रहे हैं वेलिंगटन, और अगर टाइम मिला तो मैं जाऊंगा स्प्लेनेट भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे को गोप्रो का जो कैमरा का जो लेंस का जो गार्ड है ना वो टूट गया था, बाइक रिलेटेड के लिए जा रहा हूँ इसलिए बाइक का पार्ट्स याद आ रहा है, एक्चुअली क्रैश गार्ड नहीं स्क्रीन गार्ड, तो अगर वो मिलता है तो मैं ले लूँगा अगर रहमत भैया के पास रहा तो, और पता नहीं है कितना देर तक चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बचा बचा के व्लॉग कर रहा हूँ, 25% से अभी 20 या 18% कितना परसेंट है मुझे मालूम नहीं, और अभी वेलिंगटन पहुँचूँगा, फोटरेस लूँगा, और उसके बाद फिर टाइम हाथ में बचा तो मैं जाऊँगा, और अभी भी पहुँचने में टाइम है वेलिंगटन, तो अभी वेलिंगटन पहुँचने में 10-15 मिनट और लगेंगे, और शायद रहमत भाई का जो शॉप है वो 6 बजे तक बंद कर देते हैं, और अभी 5:30 बज रहा है, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। वेलिंगटन में तो काम हो गया, लेकिन मेरा गोप्रो जो है वो ऑफ हो गया था, फिर मैंने चार्जर वार्जर जुगाड़ किया और 15-20 मिनट के लिए चार्ज लगाया था, अब पता नहीं कितना देर चलेगा, और अभी जा रहा हूँ रहमत भैया के शॉप पे, वहाँ पे मेरे को गोप्रो का जो है स्क्रीन गार्ड लेना है फॉर द सेफ साइड, और ले के फिर वापस घर जाऊँगा, तो आई गेस कि मिल जाए, और कैलकटे में बाइक चलाने के बाद बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, आई मीन काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, और बाइक जब चलाता हूँ ना, चाहे जितना भी थका रहा हूँ जितना भी कुछ भी हो, बाइक चलाने के टाइम पे बहुत रिफ्रेश फील होता है मेरे को, ऐसा ये मेरा फीलिंग्स है, बाकियों का क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, बट ये मेरा है। गोप्रो का जो स्क्रीन गार्ड था वो तो मिल गया है, लेकिन आज जो मैक्सिमम शॉप जो है बंद है, एक दुकान खुला हुआ मिला वहाँ पे मिल गया है, तो रिया जो है मेरा हेलमेट लेके अंदर गई है, मैं बाइक छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि बाइक यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है, तो अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर मैं बाइक लेके निकल जाऊँगा, इसीलिए रिया को मैंने हेलमेट दे के भेज दिया, वो जाके फटाफट काम कराएगी, और सारा काम आज फटाफट कराया हम लोगों ने, जो लेग गार्ड का आई मीन नॉट लेग गार्ड, मेरे मुँह से बार बार लेग गार्ड आ रहा है, जो फुटरेस्ट था वो भी मिल गया है, और अभी लेने के बाद यहाँ से सीधा घर निकलेंगे, और हो सकता है कि बाहर से खाना ले लें, क्योंकि घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, ज़्यादा लेट भी हो गया है, तो इसीलिए फटाफट काम कराएंगे, और रिया आ भी रही है शायद, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर कैसे करना है, तो मैंने बोला ऑनलाइन कर देने के लिए, तो अभी यहाँ से फटाफट पेमेंट करते हैं निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकना अलाउड नहीं है, और मैं यहाँ पे पार्किंग नो पार्किंग एरिया में मैं जो है खड़े होकर ब्लॉग बना रहा हूँ, तो फटाफट पे करते हैं और करके निकलते हैं, सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं क्योंकि मैं नो पार्किंग में खड़ा हूँ। कैलकटा में एक्चुअली सिचुएशन जो है वर्स्ट होता जा रहा है, और अभी धृति जो है वो खाना लेने के लिए गई क्योंकि लेट जो है काफ़ी हो गया है, तो अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ, धृति खाना लेके आएगी फिर घर जाएंगे, आज घर बिल्कुल नहीं जाने का मन है मेरे को, क्योंकि लेट जो है काफ़ी हो चुका है, और अगर मैं घर गया और घर से वापस इधर आया तो फिर पंगा हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद जो है PCR वैन्स बहुत घूम रहे हैं, और अगर पकड़ा तो फिर अच्छा खासा केस लगेगा, तो धृति वो रही पीछे सामान ले रही है, आई मीन उसको चिप्स खाने का मन था रात को, क्योंकि आज जो है लेट नाइट थोड़ा मूवी देखेंगे, तो कल संडे है और आराम से बैठेंगे, रेस्ट लेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे अमेजन या फिर हॉटस्टार या फिर कहीं पर भी मिल जाए, नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं पर भी मिल जाए, तो इसीलिए जो है वो चिप्स वगैरह पॉपकॉर्न वगैरह सब ले रही है, क्योंकि हम लोग दोनों ने बहुत दिनों से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वो फटाफट ले के यहाँ से निकलेंगे, और खाना जो है वो एक तो ले चुकी है, और अभी जो है वो बाकी अपना चिप्स वगैरह लेने के लिए गई है, तो लेते हैं और लेके निकलते हैं यहाँ से। आज क्या बेवकूफ़ बनाऊँ मैं, बेवकूफ़ इस तरीके से बनाऊँ, मेरे को लगा था कि मेरा गोप्रो जो है वो ऑन होगा, बट वो ऑन बिल्कुल भी नहीं था, मैं ऑन किया मोटो ब्लॉक करने के टाइम पे, घर आने के टाइम पे मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, और मैं कंटिन्यू बात की जा रहा हूँ, मोटो ब्लॉग की जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, बट बाद में आपको पता चलता है वो कैमरा ऑफ है, फिर बाद में मेरे को पता चला कि मेरा पहला बैटरी और दूसरा दोनों ऑफ है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है बड़ी बड़ी देशों में और छोटी छोटी देशों में, ऐसी बड़ी 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 बातें और छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, खैर कोई बात नहीं। और हाँ, जैसा मैंने बताया था कि मैं ब्लॉग जो है वो क्विट करूँगा, और रिया जो है वो बोल रही कि क्विट ना करने के लिए, फिलहाल ये बैकग्राउंड को नज़रअंदाज करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ, फिलहाल जो है
ये मैं बता रहा हूँ कि मैं ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं करने वाला। धृति बोल रही है कि कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी इस बात पे हम दोनों की लड़ाई चल रही है, लेकिन हाँ आज धृति और धृति के कुछ फ्रेंड मिले थे जो व्लॉग्स जो देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स आई मीन मेरे चाइल्डहुड बडीज़, मेरे चाइल्डहुड बडीज़ में दो तीन लोग हैं जो देखते हैं, दो तीन लोगों के अलावा और कोई नहीं देखता। मुझे दो तीन लोगों के नाम भी याद है, डम्बी प्रकाश बाबन ठीक है, और शायद रोहित देखता होगा। रोहित वो अभी यहाँ पे इंडिया में ही है, वो वापस चला जाएगा एम्स्टरडेम में, उसे भी मिलना होगा। लेकिन खैर बाकी और कोई दिखता है या नहीं दिखता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग देखते हैं वो मुझे और धृति को बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, क्योंकि वो लाइक कमेंट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मे भी शायद हैदराबाद, रिजवान खान जो रेगुलर कमेंट करता है, थैंक यू सो मच बडी। और कौन है, और कौन है, बनी बनी सिंह, बनी नाम का एक बंदा है वो भी कमेंट करता है, थैंक यू सो मच बडी। और कौन है, मैं अगर किसी का नाम भूल जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना। खैर कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ जो लोग कमेंट करते हैं रेगुलर, हाँ संदीपन जो रेगुलर कमेंट करता है, शुभो जो रेगुलर कमेंट करता है, और कौन है, और कौन है, ध्रुति आपको कोई याद है क्या? मेरे को याद नहीं रहता ये एक तो। तो रिजवान है जो रेगुलर कमेंट करता है, हैदराबाद से वो रेगुलर कमेंट करता है। और कौन है, आप बहुत सारे रिजवान है, बनी है, शुभो है, संदीपन है, और बहुत नहीं, हैं बहुत सारे नहीं है, ऐसा मत बोलो। हम लोग हैं जो 8-9 लोग हैं जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर वीडियो वॉच भी करते हैं। बट हाँ लेकिन मेरे जो कुछ फ्रेंड हैं, जैसे बाबन हो गया, डम्पी हो गया, प्रकाश हो गया, जिसमें से डम्पी भी कमेंट नहीं करता, बाबन भी कमेंट नहीं करता, प्रकाश भी कमेंट नहीं करता, ये लोग कमीने हैं, एक नंबर के कमीने हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक सॉरी 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 लेकिन एक बात है कि अगर मैं बोलूं कि जो ब्लॉग जो है मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो मैं बता नहीं सकता अभी। बट हाँ मेरे को, मैं आज डिमोटिवेटेड हो गया था। आज रिया की एक फ्रेंड मिली थी, वो ब्लॉग रेगुलर देखती है, वो बोल रही है कि प्लीज़ कंटिन्यू करो, ब्लॉग बंद करने की कोशिश मत करो, टाइम लगता है, पेशेंस लगना, आई मीन पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आता। बट हाँ वीडियो अगर यहाँ तक तो देख लेगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो, नहीं तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।